तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में व्यू मेनू। सबसे पहले जानेंगे कि व्यू मेनू होता क्या है एंड इसमें इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। व्यू का मतलब हिंदी में अगर समझा जाए तो व्यू का मतलब होता है देखना। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड में व्यू मेनू की सहायता से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, अलग अलग टाइप से। व्यू का मतलब ही होता है देखना। तो जो भी डॉक्यूमेंट में चेंजेज होगा व्यू मेनू की सहायता से, तो उसमें आपका ओरिजिनल में चेंजेज नहीं होगा, सिर्फ उसको हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे देख रहे होंगे। तो व्यू मेनू में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन, ये जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जितना मैं हाईलाइटर पॉइंट से हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सारे व्यू मेनू के कंटेंट हैं। और इन सभी कंटेंट को हम बारीकी से इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो अगर आप पूरा इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और पूरा स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा इसमें कवर करने वाले हैं, डिफिनेशन के साथ साथ पूरा वर्क भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला यहाँ पे प्रिंट लेआउट। जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं या एमएस वर्ड में काम करते हैं, तो हमारा जो पेज होता है वो डिफॉल्ट में प्रिंट लेआउट में सेट होता है। अगर जनरली एमएस वर्ड में आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के पेज होते हैं, तो एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के पेज होते हैं, और वो पेज किसमें होते हैं? व्यू मेनू में। ठीक है, किसमें होते हैं? व्यू मेनू में। पहला आपका यहाँ पे प्रिंट लेआउट होता है जो डिफॉल्ट में ही सेट होता है। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि एमएस वर्ड में कौन सा पेज पे आपका डिफॉल्ट में सेट रहता है, किसमें रहता है आपका प्रिंट लेआउट। अगला आपका यहाँ पे क्या है? रीड मोड। अगर रीड मोड में क्लिक करेंगे तो क्या होगा? पूरा आपका फुल स्क्रीन में इस तरीके से आपका टेक्स्ट कंटेंट पूरा आ जाएगा, और ये टेक्स्ट पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। आप सिर्फ इसे देख रहे हैं, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ व्यू मेनू से हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। तो स्किप किसी से हम बाहर आ जाते हैं। अब चलिए अगला बात करते हैं वेब लेआउट। अब वेब लेआउट में दिखता कैसा होगा? आप लोग जनरली देखते हैं फॉर्म वगैरह भराते हैं या तो ऑनलाइन काम हो रहा था, वहां पे क्या होता है, वेब लेआउट में पूरा स्क्रीन में पूरा टेक्स्ट भरा हुआ प्रतीत होता है। तो उसी तरह यहाँ भी होता है। अगर हम वेब लेआउट में क्लिक करते हैं, जैसा ही वेब लेआउट में क्लिक करते हैं, देखिए क्या हुआ, इस एरिया से इस एरिया तक पूरा टेक्स्ट मेरा भरा हुआ दिख रहा है। टेक्स्ट क्या हुआ? छोटा छोटा हो गया। तो इसको बोलते हैं वेब लेआउट। वेब लेआउट में जनरली पूरा टेक्स्ट है जो स्क्रीन में पूरा भर जाता है दोनों साइड से, तो इस तरीके से वेब लेआउट में दिखता है। यहाँ तक आप क्लियर हो चुके हैं, प्रिंट लेआउट, रीड मोड और वेब लेआउट। अगला हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे आउटलाइन। अब आउटलाइन में होता है क्या है, जैसे ही हम आउटलाइन में क्लिक करेंगे, जितना भी मेरा पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के आगे एक बुलेट आएगा। देखिए जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए क्या हुआ, जो भी मेरा पैराग्राफ उसके आगे क्या आ गया, एक यहाँ पे बुलेट आ गया। तो ये होता है आपका आउटलाइन में। ये सारा चीज आपको याद रखना है कि किसमें क्या हो रहा है, आउटलाइन में क्या हो रहा है, वेब लेआउट में क्या हो रहा है, प्रिंट लेआउट में क्या हो रहा है, वे रीड मोड में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जाते हैं। अगला आपका यहाँ पे ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट में भी जनरली कुछ नहीं होता है, बस आउटलाइन की तरह होता है, लेकिन ड्राफ्ट में आपका सिर्फ बुलेट हट जाता है और इसमें आपका पेज का एंड पता चलता है कि आपका पेज का एंड कहाँ पे हो रहा है जनरली। तो ये होता है पांचों पेज का अलग अलग प्रकार, जिसका यूज करके आप अलग अलग पेज एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से सिर्फ देख रहे हैं, इसमें आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्लियर है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के पेज होते हैं, तो 5 प्रकार के, और ये पांचों पेज आपको याद रख लेना है, प्रिंट लेआउट, रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। अगला आपका यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये नए वर्जन, यहाँ पे फोकस दिख रहा होगा, ये नए वर्जन में है, ये मेरा वर्जन 2021 है, आपको ये 2016 10 12 में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर फोकस करिए, ठीक है, अगर फोकस में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, मेरा जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ वो फुल स्क्रीन में आ जाकर उसमें फोकस हो जाएगा आपको पढ़ने में। तो ये होता है फोकस करना। फिर इसी से हम स्किप के बाहर आ जाते हैं। अगला आपका इंप्रेसिव रीडिंग। अगर इसमें हम क्लिक करेंगे तो जो मेरा यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है ऑटोमेटिक वो पढ़ के हमें बताएगा कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। और ये ऑप्शन सिर्फ आपको नए वर्जन में ही देखने को मिलता है, पुराने वर्जन में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका यहाँ पे एक रूलर, आप लोग रूलर देखेंगे, हम रूलर में अभी क्लिक कर, देखिए रूलर इसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ प्रिंट लेआउट में पहले क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं रूलर। देखिए यहाँ पे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रूलर। रूलर का यूज आप लोग कर सकते हैं, और
तो इस तरीके से अगर आपको रूलर चाहिए तो आप रूलर में क्लिक करेंगे तो रूलर आ जाएगा, रूलर हटाना हो तो रूलर में क्लिक करेंगे तो ये हट भी जाएगा। अगला आपका है ग्रिड लाइन। आप लोग ग्राफ कॉपी सभी कोई देखे होंगे, तो अगर हम चाहते हैं ये पेज में एक ग्राफ कॉपी की तरह एक लाइन आ जाए पतला पतला, तो हम यहाँ पे ग्रिड लाइन में क्लिक करके उस लाइन को ला सकते हैं। जैसा ही हम ग्रिड लाइन में क्लिक कर रहे हैं, क्या देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे इसमें पूरा लाइन आ चुका है। आपके मन में यह डाउट एक होगा कि ये जो खाली एरिया दिख रहा है इसमें क्यों नहीं आया, तो आपके मन में ये भी आंसर आ रहा होगा क्योंकि इधर टेक्स्ट नहीं है। तो ये आपका जनरली गलत इसलिए यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ पे ये खाली स्थान है। मार्जिन हम लोग आगे पढ़ेंगे मार्जिन क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कि हम लोग मार्जिन। तो इतना एरिया मेरा मार्जिन दिया हुआ, इसी वजह से आपका एरिया यहाँ पे ये कवर नहीं है। अगर इस मार्जिन को हम कम करते हैं तो मेरा एरिया पूरा कवर हो जाएगा।